हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित तिवारी फ्रॉम अराइज अकेडमी। मैं आप लोग का फिजिक्स का टीचर हूँ। मैं आप लोग को फिजिक्स पार्ट वन पार्ट टू दोनों टीच करने वाला हूँ। आज हम कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे हमारे सिलेबस से रिगार्डिंग। कुछ चीज़ें हम करेंगे कि हमें कैसे तैयारी करनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट लेक्चर है आज का, तो ज़्यादा कुछ हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बट हाँ ये जरूर हम ट्वेल्थ को टच करेंगे जरूर आज की हम किस टाइप की चीज़ें पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ में। चलो ठीक है, हम मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ तो फिजिक्स की बात करता हूँ मैं सबसे पहले। देखो आप, पहली बात तो आप ये ध्यान में रखो कि ट्वेल्थ में जो भी चीज़ें आपको करनी है, चाहे जिस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, आप उसको कंटिन्यूअस बेस पे करो। आप ये बिल्कुल मत सोचो कि आप एंड में चल के कर सकते हो, नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं उसके चक्कर में, आप कुछ क्वेश्चन को स्किप करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो। तो आप कंटिन्यूअस हर एक टॉपिक को पढ़ते चलो पढ़ते चलो पढ़ते चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, एकदम परफेक्टली सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं हम फिजिक्स से। फिजिक्स में आप लोग का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इसमें आपको आपकी फाउंडेशन कोर्सेज में भी इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ तो ऐसे टॉपिक्स हैं इसमें जहाँ से मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ से बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले हम देखते हैं थोड़ा कि हमारे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले with the name of the chapter. First chapter of your physics part one is rotational dynamics. Rotational dynamics के बारे में मैं start करता हूँ। So rotational dynamics. धीरे धीरे chapter को पढ़ते चलो, समझते चलो, जो भी doubt है पूछते जाओ। अब आप कैसे doubt पूछोगे, तो of course comment करो, कमेंट करो। हाँ, कमेंट से याद आया, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, साथ ही शेयर करो ताकि उन स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस पहुंच सके जो अफोर्ड नहीं कर सकते क्लासेस, या फिर लॉकडाउन पीरियड पे जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है उन तक ये सारे वीडियोस पहुंच सके। इसके लिए शेयर सब्सक्राइब ये सारी चीज़ें करो, मतलब जो भी है सब कर लो। वीडियोज आपको पसंद आएंगे, आप बिल्कुल टेंशन, बस खाली आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहो और कंटिन्यूस बेसिस पे डेली बेसिस पे पढ़ते रहो। चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, रोटेशनल डायनामिक्स। व्हाट इज रोटेशनल डायनामिक्स? पहली बात तो ये चैप्टर जो है, इन लास्ट सिलेबस दो चैप्टर में डिवाइडेड था। फर्स्ट चैप्टर वॉज सर्कुलर मोशन एंड द सेकेंड चैप्टर वॉज रोटेशनल मोशन। अच्छा, मोशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ा, ऐसा नहीं है, जैसे लीनियर मोशन, उसके अलावा ऑसिलेटरी मोशन, तो बहुत सारी चीज़ें तो आपने पढ़ाई है। बट ये दो चैप्टर्स हैं जो रोटेशनल डायनामिक्स में आने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट पार्ट से, सर्कुलर मोशन से। रोटेशनल मोशन को आज आपको ज़्यादा हम कुछ इसके बारे में कोई और बात नहीं करेंगे, बिकॉज इसके लिए हमें ये आना बहुत जरूरी है। और जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका लिंक हो जाएगा अपने आप। इसीलिए दोनों चैप्टर्स रोटेशनल डायनामिक्स में ही दिए हुए हैं और कहीं पे नहीं दिए हुए हैं। रोटेशनल डायनामिक्स में देने का सिर्फ एक रीजन है कि सर्कुलर मोशन के जस्ट बाद हमें रोटेशनल मोशन पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स के टर्म्स जो है कहीं ना कहीं लिंक है एक दूसरे से, और काफी कुछ हमें हेल्प करने वाले हैं टू फाइंड आउट द फॉर्मूलाज फॉर रोटेशनल मोशन। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से जो हमारा है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के बारे में कुछ पहले छोटी छोटी बातें हमें जानना चाहिए। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? जो आप लोगों ने टेंथ में पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है, तो आपने टेंथ में चीजें पढ़ी हुई हैं, उन्हीं को हम एक बार रिकॉइल करेंगे, और रिकॉइल करने के बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे हमारे ट्वेल्थ के सिलेबस की तरफ। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, कुछ एकदम ध्यान से देखो, कुछ भी डाउट हो कमेंट करके पूछो, आपको तुरंत उसका आंसर मिलेगा। चलो स्टार्ट करो सर्कुलर मोशन। This is the first part of the chapter, circular motion. तो circular motion जाने के लिए, वहाँ पे पहुँचने के लिए, बहुत सारी चीजें समझने के लिए, सबसे पहले हम कुछ चीजें हम जान लेते हैं जो हमने 10 तक अब तक पढ़ा है। किसके बारे में? मोशन के बारे में, क्योंकि ऑफ कोर्स हम बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो मोशन के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट मोशन, व्हाट इज मोशन? चेंज इन पोजिशन, चेंज इन पोजिशन। तो एक चीज ध्यान में रखना सब लोग, कि जो भी मैं लिख रहा हूं इन चीजों से आपका कंसेप्ट से क्लियर होगा,
तो कंसेप्ट अपना क्लियर करो ताकि ये चीजें आपको एकदम हमेशा के लिए याद रहे। ऐसा नहीं हो कि मतलब बार बार आपको पढ़ना पड़े, एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हाँ, मोशन चेंज इन पोजिशन, व्हाट इज मीन बाय मोशन चेंज इन पोजिशन। अगर सपोज करो एक बॉडी अपनी पोजिशन चेंज कर रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ मूव हो रही है। मूव हो रही है मतलब मोशन हो रहा है। विदाउट मोशन यू कैन नॉट चेंज योर पोजिशन। सो इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजिशन देन इट इज इन मोशन। वो किस में है? मोशन में। अब वो मोशन कैसा भी हो, चाहे लिनियर हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे ऑसिलेटरी हो, कुछ भी हो, मोशन कैसा भी हो, मोशन अगर हो रहा है तो चेंज इन पोजिशन हो रहा है। अब चलो मोशन में इन्वॉल्व कुछ टर्म्स के बारे में हम जान लेते हैं, सम टर्म्स। तो अगर मैं टर्म्स की बात करूं तो टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। अगर सपोज करो एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है, एक प्लेस से दूसरे, फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन अगर वो मूव हो रही है, तो वो फर्स्ट थिंग क्या करेगी, डिस्टेंस कवर करेगी। ये आपने पढ़ा है? यस सर। इसी का वेक्टर फॉर्म हमने पढ़ा है क्या, डिस्प्लेसमेंट। ये थोड़ा सा कुछ चीजें हम पहले का देख रहे हैं जिनका हमें यूज है इन सब चीजों में। तो क्या पढ़ा हमने कि टर्म्स में सबसे पहले अगर कहीं पे मोशन हो रहा है, इट डजंट मैटर कि किस टाइप का मोशन हो रहा है, बट अगर मोशन हो रहा है तो वहां पे डिस्टेंस भी होगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा। अरे अगर डिस्टेंस कवर हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ध्यान सोचो कोई बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है। सपोज करो दिस इज बॉडी ए, दिस गोज टू पॉइंट बी, यहां से यहां पे पहुंच गई। अगर ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसके पास एक क्वांटिटी अगेन आएगी, कौन सी, स्पीड। विदाउट स्पीड इसका कुछ ना कुछ स्पीड जरूर रहेगा, बिना स्पीड के ये अपनी पोजिशन चेंज कर ही नहीं सकता। तो स्पीड जिसका वेक्टर क्वांटिटी हमने क्या पढ़ाया है, वेलोसिटी। तो मैं तो ये मानता हूँ ये चीजें आपको आती होंगी और आप भी मानोगे यहाँ आती है। इस डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, एस से। वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते थे, वी से। नेक्स्ट, अगर ये यहां से यहां मूव हो रहा है और चेंज इन वेलोसिटी आया, ये टर्म ध्यान से, बॉडी यहां से वहां मूव हो रही है, मीन्स अपनी पोजिशन चेंज कर रही है, पोजिशन चेंज कर रही है, डिस्टेंस कवर हो रहा है, डिस्टेंस कवर हो रहा है मीन्स उसकी कुछ ना कुछ स्पीड है। बट ये जरूरी नहीं है ना कि हर टाइम उसकी स्पीड उतनी ही रहे, स्पीड चेंज भी हो सकती है। तो चेंज इन स्पीड गिव्स एक्सेलरेशन। तो मतलब यहाँ पे एक और चीज आएगा, व्हाट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते थे, ए से। ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ये सारी चीजें तो हमने पहले पढ़ी हुई। कुछ डेफिनेशंस इनके हम समझ लेते हैं। डिस्टेंस का डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस, देखो जरा ध्यान से सुनो। डिस्टेंस द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ये सब मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, बहुत पहले का टॉपिक है। स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड का डेफिनेशन छोड़ो, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या था हमारा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किस रेट से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किस रेट से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कोई बॉडी किस रेट से डिस्प्लेस हो रही है, कितना उसको वो कितने फास्ट जा रही है। तो अगर वो आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिव्स वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मैंने पहले बोला चेंज इन वेलोसिटी गिव्स एक्सेलरेशन, तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is known as acceleration। तो ये सब आपके पहले की चीजें थी, इनको आपने डिस्कस कर लिया है, पहले भी पढ़ा है, हमने भी थोड़ा बहुत देख लिया, अब इनसे हमें कुछ ज्यादा काम है नहीं। तो हम आ जाते हैं हमारे सर्कुलर मोशन। तो फर्स्ट, व्हाट इज सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन है क्या। सपोज आई हैव अ सर्कल, मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर मैं एक पार्टिकल रखता हूँ, वाई पार्टिकल वो भी मैं बताऊंगा, बट पहले हम समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल पे मैं एक पार्टिकल रखता हूं, दिस पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ये पार्टिकल जो है इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कंटिन्यूअसली मूव करेगा, तो ये किस टाइप का मोशन होगा, सर्कुलर मोशन। बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर ऐसी चीज है तो इसका डेफिनेशन हमें क्या लिखना चाहिए, देखो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन यार ये चीजें मैं थोड़ा सा आपको कर देता हूं, इस जगह का यूज है। स्टार्ट,
डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, ये पार्टिकल मूव कर रहा हूं वेयर अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, अरे एकदम इजी। सो क्या द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सर्कुलर मोशन। सी एम लिख रहा हूं, दैट्स इट, नाउ वर्क। ठीक है, छोटी छोटी चीजें तो इनको ध्यान में रखो। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के बारे में हमने इतना पढ़ा। अच्छा, डेफिनेशन हो गया हमारा, कुछ कंपोनेंट्स। अच्छा एक बात बताओ, क्या सर्कुलर मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन? यस इट इज अ टाइप ऑफ मोशन, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज सर्कुलर मोशन, नहीं तो इसका नाम ही सर्कुलर मोशन नहीं होता। बट इसका नाम सर्कुलर मोशन है, मतलब ये भी हमारे पास मोशन का पार्ट है। मोशन अगर कहीं, ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ वो सुनो, अगर मोशन का पार्ट है तो वहां पे मोशन में ये चीजें आती है, व्हाट, डिस्टेंस मींस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो अगर ये भी मोशन है तो यहाँ पे भी वो चीजें आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है मतलब कुछ प्रॉब्लम बताएंगे। तो हमें देखना है, नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा ये होगा, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ ले लिया, चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं सर्कुलर मोशन। टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन हमारा टॉपिक है। सब दिस इज सर्कुलर मोशन, ये रहा हमारा सेंटर। वन बाय वन हम बहुत कोशिश में समझने वाले हैं, तो ध्यान देते रहो सब लोग। सपोज एक पार्टिकल है जिसकी पोजिशन ये है, दिस इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल means P, हमने इसका नाम दे दिया P। देखो अभी टॉपिक हमारा क्या है, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन से रिलेटेड टर्म्स क्या आते हैं, मतलब वही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, यही जो चीजें हमने अभी तक समझी ना वही सारी चीजें हैं, और कुछ अलग नहीं है। तो चलो स्टार्ट देखते हैं। फर्स्ट टर्म जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रेडियस वेक्टर। चलो देखते हैं उसका मतलब क्या है, रेडियस वेक्टर। और एक और नाम से हम इसे जानते हैं, पोजीशन वेक्टर। अपने नाम में ही अपना डेफिनेशन रखा है। सबसे पहले तो सब इसको डिनोट करते हैं हम आर बार से, समझते हैं व्हाट इज रेडियस वेक्टर। मैंने बोला एक पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ऑफ कोर्स उसका एक सर्कल फॉर्म हुआ होगा, यस दिस इज सर्कल। अगर वो सर्कल है तो ऑफ कोर्स उसका एक सेंटर हो गया, तो उसका एक रेडियस भी होगा, तो वो तो रेडियस हो गया। बट व्हाट इज मीन बाय वेक्टर, क्यों वेक्टर, व्हाई वेक्टर, वेक्टर क्यों आया? तो वेक्टर देखो एक्चुअल में ये रेडियस, सपोज पार्टिकल यहां नहीं है, पार्टिकल यहां नहीं है, मैं मानता हूं पार्टिकल यहां पे है। अगर पार्टिकल यहां पे है तो मेरा रेडियस वेक्टर ऐसा ड्रॉ होगा। मैंने बोला पार्टिकल यहां पे है तो मेरा रेडियस वेक्टर कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, तो यहां पे है मान लो। अच्छा मैंने बोला यहां पे है तो यहां पे रेडियस वेक्टर, मतलब रेडियस वेक्टर कहीं भी ड्रॉ हो उसका रेडियस चेंज नहीं होगा, बट पोजिशन ऑफ द पार्टिकल हर जगह चेंज है। अगर मैंने रेडियस वेक्टर यहां पे ड्रॉ किया इसका मतलब क्या है, पार्टिकल यहां पे है। So this radius vector gives the position of the particle. It gives, मैं लिख देता हूं यहां पे, it gives position of the particle. Position of the particle. यानी क्या देता है, position of the particle. So what is radius vector? तो मैं इतना सब कुछ तो अभी मैं इसको रफ कर देता हूं क्योंकि इतने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आ गया है। मोशन कैसा हो रहा है, ये पार्टिकल है सपोज ऐसा मूव करेगा, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे मूव हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कुछ ऐसा।
रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, इट गिव्स पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, या हमें पोजीशन ऑफ द पार्टिकल दे देता है, तो हमें ये ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, दिस इज माय रेडियस वेक्टर। कब? जब पोजीशन यहां था। अगर पार्टिकल यहां रहेगा तो रेडियस वेक्टर वहां रहेगा। बिल्कुल एकदम कंफ्यूज नहीं होना देखो। आर बार बार क्यों रख रहा हूं? हाँ, नाउ नेक्स्ट देखो, पार्टिकल के पोजीशन से उसका डायरेक्शन पता चलता है कि वो कहाँ जा रहा है। सपोज यहाँ पे पार्टिकल, अगर यहाँ पे मैं यहाँ से सर्कुलर मोशन ब्रेक हो जाए तो ये सीधा जाएगा, मतलब उसका डायरेक्शन ऐसा होगा। बट पार्टिकल अगर यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक हो रहा है तो वो ऐसा जाएगा। तो पोजिशन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, और पोजिशन हमें कौन दे रहा है? रेडियस। सो रेडियस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो किस तरीके से हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे? बिल्कुल यही जो हमने अभी पढ़ा है, बिल्कुल उसी को यहां पे हम लिखेंगे। जो चीजें मैंने समझा, हमने क्या किया, हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया है। कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल से टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। व्हाई पोजीशन ऑफ द पार्टिकल? बिकॉज दिस रेडियस वेक्टर गिव्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। यही तो हमने पढ़ा अभी तक कि ये रेडियस वेक्टर हमें पार्टिकल की पोजीशन देता है। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन बोलूं तो ये रेडियस वेक्टर कहां से कहां तक ड्रा हुआ है? सो दिस रेडियस वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। सो वी कैन राइट हियर इन डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियस वेक्टर? इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम, कहां से? अवेक्टर, एक वेक्टर ड्रॉ किया गया कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द, वेयर, कहां वहां से कहां तक? टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, सब चीजें समझ में। अगर इसकी यूनिट बात करूं तो ऑफकोर्स ये डिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट मीटर होगी। डायमेंशन की बात करें हम, वैसे तो ये मैं सिर्फ लिख रहा हूं एल एम टी, ये दोनों जीरो, ये वन, क्लियर। तो ये किसके बारे में था हमारा? पूरा का पूरा रेडियस वेक्टर, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। इसके बाद के जो टर्म्स है ना, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, बिकॉज उनसे आप थोड़े से फैमिलियर हो। इससे थोड़े से कम फैमिलियर थे, तो इसी ये सिर्फ समझो, व्हाट इज रेडियस वेक्टर? इट गिव्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, कि वो पार्टिकल कहां पे है, वो पार्टिकल कहां पे है, यहां पे है, यहां पे है। अगर वेक्टर यहां पे ड्रॉ रहेगा तो पार्टिकल वहां पे, अगर वेक्टर यहां पे ड्रॉ है तो पार्टिकल वहां पे, अगर वेक्टर यहां पे ड्रॉ है तो पार्टिकल, मतलब इट गिव्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, जिसकी वजह से डायरेक्शन का भी हमें पता चलता है। दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये किस टाइप की क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट टर्म हमारा हो गया, तो मैं ऐसा सोचता हूँ इसमें किसी को कोई डाउट होगा नहीं। तो हमें नेक्स्ट टर्म के बारे में जानना है, जिसके बारे में हमें काफी कुछ डिटेल में समझना पड़ेगा। सो इसका तब तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हम लीनियर मोशन जो हम पढ़े थे ना, अभी मोशन थोड़ी देर पहले, क्या क्या क्वांटिटीज आएगी हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट वेलोसिटी, नेक्स्ट एक्सेलरेशन। ये तीन क्वांटिटीज हमारे पास आएगी। इन तीनों क्वांटिटीज को हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक बात, जब आपने पहले पढ़ा था 9th में 10th में, तो आपने क्या बोला था कि अगर कोई बॉडी ए से बी तक जा रही है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। एक्स मान लो या एस मान लो, जैसा कि आप एस मानते थे, यहां पे पार्टिकल कब डिस्प्लेस हुआ? यहां पे हम कहें अगर मोशन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये भी एक टाइप का मोशन है, मतलब यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट होगा।
अब वो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? तो चलो हम देखते हैं, ये क्या ये पार्टिकल यहां जाएगा? नहीं। क्या ये पार्टिकल यहां जाएगा? नहीं। क्या ऊपर जाएगा? नहीं। नीचे जाएगा? नहीं। कहीं नहीं जाएगा, बस एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पे घूमता रहेगा आज। क्लियर? अगर ये सर्कल के सर्कमफेरेंस पे घूम रहा है, मींस ये यहां से सपोज यहां गया, ध्यान से सोचो, यहां से पार्टिकल यहां पहुंचा, दिस इज द न्यू पोजिशन ऑफ द पार्टिकल पी वन। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ? यस सर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये यहां से यहां पहुंच गया, सो दिस पार्ट इज द डिस्प्लेसमेंट, सो वी कैन राइट हियर एस, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट। नाउ लिसन, कुछ और डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या यहां पे? यस सर, ये कुछ डिग्री एंगल मूव कर चुका है। नाउ रेडियस वेक्टर, अगर मैं इस न्यू पोजिशन के लिए रेडियस वेक्टर ड्रॉ करूं, तो ये होगा हमारा रेडियस वेक्टर, दिस इज माय न्यू आर बार। सपोज इसे मैं आर वन बार लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आर बार इसलिए नहीं लिख रहा हूं बिकॉज दोनों की दोनों हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, और मैं आर बार लिख के इनको शो नहीं कर सकता। अगर मैं आर बार लिखता हूं तो मतलब ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम नहीं है, बिकॉज दीज टू पोजिशन आर डिफरेंट। क्लियर? कुछ चीजें और समझते हैं। तो हमने क्या देखा, एक रेडियस वेक्टर है जिसने कुछ एंगल ट्रेस किया, कुछ एंगल के लिए वो मूव हुआ, और उससे हमें एक पार्टिकल की न्यू पोजीशन मिली, न्यू पोजीशन से हमें डिस्प्लेसमेंट मिला। बट डिस्प्लेसमेंट एक और चीज का हुआ, किसकी वजह से हुआ? एंगल की वजह से हुआ। देखो इसको हम थीटा कंसिडर कर लेते हैं सपोज, तो ये एंगल जो डिस्प्लेस हुआ, जितने एंगल का डिस्प्लेसमेंट हुआ, दिस डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वह यहां पे हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट होता सिर्फ एंगल का नहीं होता, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज वो स्ट्रेट लाइन मोशन था। बट यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एंगल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सो हम इसका नाम देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सेकंड इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय थीटा बार। Why? Because it is a vector quantity, कैसा quantity? Vector quantity. इसके definition के बारे में हम पढ़ते हैं कि what is angular displacement और उसका definition क्या है। तो definition वैसे हमने बोल दिया है थोड़ी देर पहले। देखो, एक radius vector था जिसने एक angle trace किया to get the new position, वो new position तक जाने के लिए एक angle trace किया, और वही हमारा हुआ angular displacement, कि angle कितना displace हुआ, पहले 0 degree था, अब कितना हुआ, theta degree हो गया, so this is your angular displacement, so you can write here in definition में हम इसको क्या लिख सकते हैं, the angle traced by radius vector, लिख सकते हैं, ये angle किसने trace किया, radius vector, so the angle traced by radius vector is known as angular displacement. Is known as angular displacement. या फिर theta बार। ठीक है? सुनते जाओ मेरा। ये s है, ये r है, ये theta है। S means normal जो displacement ये हुआ, ये कितना हुआ? Theta मतलब कितना angle move हुआ? R तो आपका radius vector, जिसके बारे में आप पढ़ चुके। अब हमें next इसको थोड़ा सा जो definition है, इसको हमें थोड़ा represent करना है in the form of formula। तो हम देखते हैं कि कैसे हम करेंगे। इसके पहले आपने 10th में कुछ चीजें पढ़ी हुई थी, ध्यान से सुनो मेरी बात। 10th में नहीं, sorry 11th में आपने पढ़ी थी। एक chapter था measurement and units। मेजरमेंट एंड यूनिट्स, वहां पे उस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि अगर दो बॉडीज जो एक दूसरे से बहुत दूर है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, लाइक जैसे मैंने बोला कि अर्थ और मून, या अर्थ और मार्स, या फिर सन और अर्थ, तो इनके बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है। अगर ये लेंथ हमें फाइंड आउट करना हो तो हम डायरेक्टली बाई ज्योमेट्री फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता था, एक पैरालैक्स मेथड। याद होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा है तो फॉर्मूला है, तो कुछ ज्यादा सोचना भी नहीं है। सो मेजरमेंट इन यूनिट्स में लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, लार्ज लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या, हम कौन सा मेथड यूज करते थे, पैरालैक्स मेथड। और ये पैरालैक्स मेथड कुछ ऐसा था, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अर्थ, दो पोजिशन हम लेते थे, दो जगह से उसी
ऑब्जेक्ट को जिसका डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना, सपोज वो मार्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहां से दो जगह से हम देखते थे, दो टू फ्रॉम टू प्लेसेस, दो लेबोरेटरी है वहां से हमने देखा और दो हमने एंगल क्रिएट किया. नाउ वी नो दैट दिस एंगल थीटा. अब ये डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज ये अर्थ का डिस्टेंस है, अर्थ का डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस इज आवर एस एंड ये हमारा बनता था रेडियस आर, मतलब डिस्टेंस. और डिस्टेंस हमने कैसे फाइंड आउट किया था, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर. ये हमारा फॉर्मूला पहला सूत्र सेम वही है यहाँ पे यूज करना, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर. थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर. अब सबसे पहले ये तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूला बताया, क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर यहाँ पे जब था तब इसका डायरेक्शन ये, यहाँ पे जब आया तब इसका डायरेक्शन ये. आपने बोला ये वेक्टर क्वांटिटी है, बट वेक्टर क्वांटिटी का तो डायरेक्शन फिक्स होता है, वो चेंज होता नहीं. तो हम इसका, ये हमारा स्केलर फॉर्म ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. नाउ वी विल सी वेक्टर फॉर्म ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. चलो देखते हैं, ये हटाता हूं मैं. वेक्टर फॉर्म होगा, वेक्टर फॉर्म मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए. तो डायरेक्शन कब चेंज नहीं होगा, चल देखो. सपोज करो ये थीटा बहुत आगे बढ़ा, ध्यान सुनो मेरे, यहां से यहां तक गया काफी दूर तक, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं. हमें लगा कि हाँ ये स्केलर पे ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है और वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन हमेशा फिक्स होता है. बट अगर मैं ये बोलूं कि इसने बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया, बहुत थोड़ा सा, एकदम छोटू सा, अगर वो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करेगा तो उनके बीच का एंगल बहुत थोड़ा सा रहेगा, थीटा बहुत कम. अगर वो एंगल, मैं एक काम करता हूँ, मैं शो कर देता हूँ, आपको समझेगा आपको अच्छे से. देखो ये हमारा सर्कुलर मोशन, ये सेंटर, मैंने बोला ये भी बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ मतलब ये भी बहुत ज्यादा है, बट मान लो एक बार के लिए दिस थीटा. नाउ अगर हम अब देखेंगे तो ये जो इनके बीच का लाइन है वो एज स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा. अगर बहुत थोड़ा डिस्टेंस रहेगा, बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये दोनों लाइन जो है वो स्ट्रेट दिखेंगे, ना कि कर्व दिखेंगे. और अगर वो स्ट्रेट दिखेंगे तो उनका डायरेक्शन मतलब सेम है. अगर उनका डायरेक्शन सेम है तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है. विच टाइप ऑफ क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी. तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी के में हमें पढ़ना है तो हमें जो डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो बहुत 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 छोटा लेना पड़ेगा. तो फॉर स्मॉल थीटा, वेक्टर फॉर्म कब एग्जिस्ट करेगा, जब थीटा बहुत ही छोटा होगा. क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा. इसको रोक करता हूं मैं और देखते हैं जब छोटा होगा तो किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे. अच्छा एक चीज तो आपने पढ़ी पढ़ी होगी कि जब कोई चीज के अंदर बहुत थोड़ा सा चेंज होता है, जैसे मैंने बोला एक्स क्वांटिटी, एक्स के अंदर बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, बहुत थोड़ा सा, तो ये जो एक्स को हम क्या लिखते हैं, एक्स प्लस डेल एक्स. व्हाट इज मीन बाय दिस डेल एक्स, डेल एक्स मींस एक चेंज है जो बहुत थोड़ा सा हुआ, बहुत 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 लेस, बहुत कम. तो डेल एक्स का मतलब ये होता है एक्स के कम. जैसे मैंने बोला एक चीज है जिसका लेंथ है एक्स और उसके एक्स के लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया, वो इंक्रीमेंट आपको दिख भी नहीं रहा होगा. देखो मैंने जो ड्रॉ किया है, ठीक है, तो वो जो इंक्रीमेंट है वो छोटे से इंक्रीमेंट को हम डेल एक्स मानेंगे. तो पूरी लेंथ अब क्या हो गई, एक्स प्लस डेल एक्स, वही मैंने यहां पर लिखा. सो दिस डेल एक्स, दिस डेल रिप्रेजेंट स्मॉल क्वांटिटी. डेल क्या रिप्रेजेंट करता है, बहुत छोटी छोटी, लिमिटिंग क्वांटिटी, मतलब बहुत कम. सो अगर मैं फॉर स्मॉल थीटा, बहुत छोटा थीटा लेता हूं, तो मैं थीटा को थीटा ना लिख के डेल थीटा लिखूंगा, बहुत, क्योंकि थीटा बहुत 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 कम है. चलो आगे बढ़ते हैं. So my del theta will become del theta. Now it is vector quantity because for small theta, theta बहुत छोटा है, del theta. अच्छा आप ध्यान सुनो और आगे बढ़ते हैं. जब ये theta बहुत थोड़ा सा होगा तो displacement भी बहुत थोड़ा सा होगा, बहुत कम होगा, होगा ना. जब theta
कम होगा, थीटा बहुत कम होने वाला है, तो डिस्प्लेसमेंट दिस एस विल आल्सो बी वेरी वेरी लेस, सो हम लिखेंगे उसको भी डेल थीटा इज इक्वल्स टू डेल एस बार डिवाइडेड बाय, लेट्स टॉक अबाउट आर, क्या ये यहां से यहां गया या यहां से यहां गया, कहीं भी गया, आर में कोई चेंजेस आने वाला नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर विल बी सेम थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन, पूरे मोशन के टाइम पे आर जो है वो हमारा बदलने वाला नहीं है, क्योंकि वो बदल जाएगा तो सर्कुलर मोशन ही नहीं होगा ना, रेडियस फिक्स होना चाहिए, सो रेडियस हमारा फिक्स रहेगा, तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं, ये कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं आ रही है, सो इसको हम आर बार डायरेक्टली लिख देंगे, दैट्स इट। थोड़ा हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं, तो डेल एस बार विल बी डेल थीटा बार क्रॉस आर बार, ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है इनका, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा, स्केलर वेक्टर नहीं पढ़ा होगा, अगर नहीं चीजें क्लियर है तो मैं स्केलर वेक्टर पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ पूरे चैप्टर के लिए, बहुत फास्ट रहेगा थोड़ा क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, तो उसको आप जरूर देखिए, लेकिन उसको देखेंगे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना, ये सारी चीजें करना पड़ेगा, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप जैसे है वैसे बस डेली डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ते जाए, सो डेल एस बार इज इक्वल टू डेल थीटा बार क्रॉस आर बार, इतनी चीजें क्लियर है, ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म। नाउ यूनिट, लेट्स टॉक अबाउट यूनिट, थीटा है तो थीटा की यूनिट रेडियन होती है, रेडियंस, ठीक है, जिसको हम ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ डायमेंशन की बात कर लेते हैं, डायमेंशन लेस है, क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, सब तो मैंने वैसे बता भी दिया है, बटे की बार में हम चीजें फिर से लिख लेते हैं। अच्छा नाउ सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो यहां पे पूछा जाता है, डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन कैसे मिलेगा, किसका डायरेक्शन, अरे कौन सी क्वांटिटी पढ़ रहे हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, कि उसका डायरेक्शन क्या होगा, कितना होगा, किस तरफ होगा, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं उसको समझो, फिर हम डायरेक्शन के बारे में पूरा एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। सो डायरेक्शन इसका मिलेगा हमें बाय डायरेक्शन, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, ध्यान रखना ये, डायरेक्शन इज गिवन बाय व्हाट, राइट हैंड रूल, डायरेक्शन जो है वो हमारा राइट हैंड रूल से मिलेगा, राइट हैंड रूल, मैग्नेटिज्म में जाओ 10th में पढ़े हो, बहुत कुछ पढ़े हो उसके बारे में, ऐसा नहीं है कि थोड़ा पढ़े हो, काफी कुछ पढ़े हो, और राइट हैंड रूल तो पूरा पूरा वो आपने पढ़ा ही था, राइट हैंड थंब रूल, सपोज यू आर होल्डिंग अ कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट द कर्ल्ड फिंगर्स आर अराउंड द कंडक्टर एंड थंब इज आउटस्ट्रेच्ड, देन इफ कर्ल्ड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसा। तो यहां पे भी वही चीजें यहां पे इन्वॉल्व होने वाली हैं, बस टर्म्स बदल जाएंगे थोड़े थोड़े, बस बाकी और सब कुछ तो सेम रहेगा। सो सपोज दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, व्हाट इज मीन बाय एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो किसके अराउंड हो रहा है, तो अगर मैं यहां पे बात करूं ये सेंटर है तो इसके अराउंड हो रहा है ना, सेंटर के अराउंड, मैं ये तो बोल नहीं सकता कि सपोज यहां एक पॉइंट लेके कि ये सर्कुलर मोशन इसके अराउंड हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पे देखो रेडियस अलग अलग आ रहा है, ये रेडियस अलग होगा फिर यहां पे ये रेडियस, तो इसके अराउंड नहीं हो रहा है, तो वो किसके अराउंड रहा है ये सर्कुलर मोशन, सेंटर इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस जिस एक्सिस के अराउंड हो रहा है, ठीक है, तो आगे बढ़ते डायरेक्ट, सपोज ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सेम वैसे ही राइट हैंड रूल के जैसा, इसको आप राइट हैंड में हेल्ड करो कुछ इस तरीके से कि आपके फोर फिंगर्स जो हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड कर्ल्ड हो ऐसा, और थंब आउटस्ट्रेच्ड हो, देन इफ दिस डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन शो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लिख के देता हूँ सबसे पहले, फिर उसके बाद हम इसको एकदम एकदम अच्छे समझते हैं क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्शन एक बार आप समझ लोगे तो आपको बाकी के दो टर्म्स और जो आने वाले हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, उसमें आपको डायरेक्शन के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो समझो आप पहले अच्छे से, राइट हैंड सपोज you are holding
द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन राइट हैंड, कहां पे आपने होल्ड करके रखा है? राइट हैंड में। कैसे? इन सच अ वे दैट, इन सच अ वे दैट, वे दैट द फोर फिंगर्स आर कर्ड अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फोर फिंगर्स आर कर्ड अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड थंब इज आउटस्ट्रेच। बिल्कुल ऐसा है। थम कैसा है? आउटस्ट्रेच। ये तो हो गई कहानी कंडीशन की, कैसे आपने पकड़ के रखा है। ध्यान से सुनो, सपोज सर्कुलर मोशन ऐसे ऐसे हो रहा है तो बीच में उसका सेंटर होगा। सपोज दिस लाइन रिप्रेजेंट द सेंटर, ये मार्कर, और सर्कुलर मोशन इसके अराउंड हो रहा है। सो यू आर होल्डिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो सेंटर है उसको आपने अपने राइट हैंड में पकड़ के रखे हो। कैसे? कि आपके फोर फिंगर्स आर कर्ल अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन को ऐसा कर्ल करके रखें। एंड थंब इज आउटस्ट्रेच, थंब बाहर की तरफ निकला हो। तो उसके बाद डायरेक्शन हमें मिलेगा। डायरेक्शन, इफ ध्यान से सुनो, इफ दीज कर्ल फिंगर्स, इफ दीज कर्ल फिंगर्स शोज द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, अगर ये फिंगर्स मेरा सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन शो कर रही है, देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं, मैं लिखता हूं, इफ देन इफ कर्ल फिंगर्स fingers shows the direction of circular motion, the direction of circular motion, then thumb will show the direction of angular displacement। काफी कुछ लिख दिया हमने, ध्यान से सोच लेते हैं यहाँ पे कि क्या हमने कहा। सपोज सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन के एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने राइट हैंड में कुछ इस तरीके से पकड़ के रखा है। ध्यान से सुनो, कुछ इस तरीके से पकड़ के रखा है कि आपके फोर फिंगर्स उसके अराउंड कर्ल्ड है और थंब आउटस्ट्रेच्ड है। तो अगर कर्ल्ड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं इसका मतलब क्या। यहां पर ये दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, कर्ल फिंगर हमने राइट हैंड में इसको हेल्ड किया, कर्ल फिंगर्स ये रहे हमारे, ठीक है, और ये थंब आउटस्ट्रेच। अगर कर्ल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, क्या मेरे कर्ल फिंगर डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन शो कर रही है? यस, देखो सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन ऐसे, पार्टिकल देखो कैसे आ रहा है ऐसे, और मेरे फिंगर्स कैसे आ रहे हैं ऐसे, तो बिल्कुल वही डायरेक्शन है। देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब इस टाइम पे हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? बाहर की तरफ। अगर सपोज करो यही ऐसा ना मूव होके इस तरीके से मूव होता, मींस क्लॉकवाइज, अभी तो एंटी क्लॉकवाइज है, अगर क्लॉकवाइज मूव होता तब क्या होता? तो देखो तब ऐसा होता हमारा राइट हैंड, और उस टाइम पे मेरा थंब इनवर्ड होता, तो उस टाइम पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? इनवर्ड होता है। क्लियर? कुछ ज्यादा टफ नहीं। अगर आप ऐसे भी बोर्ड के थ्रू नहीं समझे तो ऐसा समझो, सपोज ये है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, देन थंब विल शो इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड दिस विल शो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप यही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, देन योर थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज डाउनवर्ड। कैसा होगा? डाउनवर्ड होगा। मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ कि अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है तो डायरेक्शन क्या होगा हमारा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अपवर्ड, और इफ क्लॉकवाइज हो रहा है तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड।
समझ में आया इतना? काफी कुछ हमने समझा आज के लेक्चर में। अभी तक क्या हमने समझा? डायरेक्शन देखा, यूनिट देखा, डायमेंशन देखा, कौन सी टाइप की क्वांटिटी है और क्या क्या चीजें होती है, इसका डायरेक्शन है, ये टर्म्स। अभी हमने क्या पढ़ा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कुछ और चीजें हमें पढ़नी बाकी है, जैसे वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना है। तो पहले इनको एक बार देख लो अच्छे से। अच्छा, कुछ डाउट है एक बार? चलो, जो भी पढ़ा हमने इस बोर्ड पे, जो भी मैंने लिखा होगा, रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर क्या है? एक वेक्टर जो हमने ड्रॉ किया है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज रेडियस वेक्टर। नाउ नेक्स्ट वन इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन हम बोलेंगे द एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर। जो रेडियस वेक्टर ने एंगल ट्रेस किया है, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो हमारा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो थीटा इज इक्वल टू s / r बाय पैरेलैक्स मेथड हमने पढ़ा है। और अगर हम इसके वेक्टर फॉर्म की बात करें, तो ये वेक्टर फॉर्म में तब आएगा जब यहाँ पे थीटा बहुत छोटा होगा, उस टाइम पे हम डिस्प्लेसमेंट को एज ए स्ट्रेट पाथ जैसा हम कंसीडर कर सकते हैं, तो वहां पे हमारा डायरेक्शन सेम आएगा। तो एट दैट टाइम हम बोल सकते हैं कि ये वेक्टर शो कर रहा है। सो अगर वेक्टर होगा तो लिमिटिंग वैल्यूज हमें लेनी पड़ेगी, मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी। सो थीटा विल बिकम डेल थीटा, एस विल बिकम डेल एस, बट आर विल नॉट चेंज। वाई? बिकॉज आर इज अ आर हैव द फिक्स्ड वैल्यू। आर के पास कोई डिफरेंट वैल्यूज नहीं है। सो आर बार डेल एस बार इज इक्वल टू डेल थीटा बार क्रॉस आर बार। आर हमारा रेडियस है, वो चेंज नहीं हो सकता। यूनिट की बात करें तो रेडियंस, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या होता है? अभी हमने पूरा पढ़ा, फिर से बोलने का मन नहीं है मेरा। तो इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस की अभी। अब इसके बाद के टॉपिक में हम जाएंगे और वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। बट उससे पहले ध्यान देते हैं मेरी बात पर, कुछ चीजें आप लोग, कि अगर आपको ये चीजें सब कुछ अच्छे समझ में आ रहा है, क्या आपको कुछ मेरे पढ़ाते टाइम जैसे डिफरेंट चीजें कि सर आप फास्ट जा रहे हो, ऐसा कुछ जा रहे हो, तो आप कमेंट में वो भी चीजें मुझे बोलिए, ठीक है? और हाँ, द मेन थिंग इज दिस कि आप इनकी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करिए, डेली थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। इन चीजों का आप ध्यान में रखो। और तो कुछ कहना नहीं है मुझे, बस हाँ एक चीज और बोलूंगा, आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। ये सारी चीजें करेंगे तो आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे, जो भी वीडियोस आएंगे वो आपको मिलेंगे। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।